Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education. So in this video we are going to cover clinical features of amelogenesis imperfecta. इसका classification और introduction हमने last video में cover up किया था, इसके first part में cover up किया था. So if you didn't watch that, you can go to the playlist I have created or you will find an I button here and you can go through it and yeah. So in this video we are going to cover the clinical features. So coming to the clinical features of amelogenesis imperfecta, first of all, what is amelogenesis imperfecta? That is in ML के formation में कुछ heredity inheritance की वजह से कोई disturbance हुआ है, उसे हम amelogenesis imperfecta बोलते हैं. Okay, so क्लिनिकल फीचर्स में हम उन फोर टाइप्स की बात करेंगे जो हमने उन थ्री टाइप्स की बात करेंगे जो हमने मेनली क्लासिफिकेशन में पढ़े थे. दैट इज हाइपोप्लास्टिक, देन वी हैव हाइपोमैच्योरेशन, देन हाइपोकैल्सिफाइड. ओके, सो हम इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. तो कमिंग टू हाइपोप्लास्टिक, यहां पर क्या होगा ना, इनेमल का नॉर्मल थिकनेस नहीं होगा. ठीक है, ऑब्वियसली इनेमल जो है वो उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेकंड इज ऑटोसोमल रेसेसिव. और ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिटेड. ओके, तो पिटेड जो है वो दोनों डेंटिशंस को अफेक्ट कर सकता है. इसमें इनेमल जो है वो बहुत थिन होगा एंड डू नॉट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर मेसियोडिस्टली. यानी कि सी इस तरह से टूथ होते हैं. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेसियोडिस्टली. ठीक है, तो लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, ये दूर दूर होंगे टूथ. ठीक है, दूर दूर होंगे, उनका कॉन्टेक्ट एरिया नहीं होगा. ओके, देन जो न्यू इनेमल इरप्ट होगा दैट विल बी येलो व्हाइट इन कलर एंड आफ्टर एक्सपोजर टू द ओरल एनवायरमेंट. जैसे ही वो ओरल एनवायरमेंट यानी कि आप खाना पीना शुरू करेगा बच्चा, तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. कमिंग टू द लोकल वन, ये भी दोनों डेंटिशन में अफेक्टेड होता है. इसमें डिफेक्ट क्या होता है, बक्कल सर्फेस इन्वॉल्विंग मिडल थर्ड. ओके, जो बक्कल सर्फेस है मिडल इन्वॉल्विंग मिडल थर्ड, वो वाला जो सर्फेस है वो उसमें ज्यादा आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा. इंसाइजल और ऑक्लूजन में नहीं देखने को मिलता है. इसमें एक और चीज है दैट हॉरिजोंटल रोज ऑफ डिप्रेशन और वन लार्ज हाइपोप्लास्टिक एरिया विथ हाइपोकैल्सिफिकेशन एडजेसेंट टू एंड बिलो द हाइपोप्लास्टिक एरिया. नाउ कमिंग टू द स्मूथ वन, स्मूथ वन में क्या होगा, द इनेमल इज थिन. सी सभी में इनेमल जो है वो उसका थिकनेस बहुत ज्यादा कम रहेगा. ओके, स्मूथ में क्या होगा, इनेमल इज थिन, इट विल बी हार्ड एंड ग्लोसी विद स्मूथ सर्फेस. बहुत ही स्मूथ सर्फेस होगा. ठीक है, 1/4 to 1/8 ऑफ नॉर्मल थिकनेस ऑफ इनेमल. न्यू इरप्ट जो इनेमल होगा दैट विल बी येलो ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट. ओके, इट विल गिव अ चौकी अपियरेंस इन इंटरप्रोक्सिमल एरियाज. ओके, देन इट्स डिले इन इरप्शन अकर्स विद रिजॉर्प्शन ऑफ टूथ इन द एल्वियोलस. ओके, इसमें इरप्शन का जो डिले है वो हो सकता है. कमिंग टू द रफ वन, ठीक है, तो हमने कितने ऑटोसोमल डोमिनेंट के हमने चार टाइप्स पढ़ लिए, स्मूथ, ठीक है, रफ अभी जो हम पढ़ेंगे, पिटेड एंड लोकल. ओके, नाउ रफ में क्या होगा, रफ में भी बोथ द डेंटिशंस आर इन्वॉल्व, लेकिन इसमें इनेमल की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी. इनेमल जो है वो हार्ड होगा, रफ ग्रेनुलर होगा, मे बी चिप्ड फ्रॉम अंडरलाइन डेंटिन. 1/4 to 1/8 इनेमल थिकनेस. कलर जो है उसका व्हाइट येलो होगा वेन न्यूली इरप्टेड. इट मे हैव थिकर इनेमल एट सर्वाइकल एरिया, एंटीरियर ओपन व्हाइट होगा इसमें. और ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप. नाउ इसमें क्या होगा, सबसे पहले सरफेस रफ एंड ग्रेनुलर होगी, कलर नॉर्मल टूथ जैसा ही होगा उसका कलर, इनेमल कम्प्लीटली लैक ऑफ फॉर्मेशन, इनेमल का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा. ठीक है, टीथ वाइडली स्पेस्ड, बहुत ही ज्यादा स्पेस होगा टूथ के बीच में. देन देयर विल बी ओपन एंटीरियर ओपन बाइट एंड नंबर ऑफ टीथ आर मिसिंग. बहुत सारे नंबर ऑफ टूथ विल बी मिसिंग इन दिस केस. ओके, नाउ कमिंग टू द हाइपोकैल्सिफिकेशन वन. सो हाइपोकैल्सिफाइड में क्या होता है, इनेमल जो है वो सॉफ्ट है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोफाइल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें भी हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. उसमें क्या होगा, इनेमल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, डेंटिन ही प्रेजेंट होगा, यानी कि इनेमल इज कंप्लीटली एबसेंट. ओके,
देन इनेमल कैन पेनेट्रेटेड इजिली बाय डेंटल एक्सप्लोरर. अगर इनेमल है भी तो उसको पेनेट्रेट किया जा सकता है बाय डेंटल एक्सप्लोरर बहुत ही इजिली. ठीक है. न्यूली इरप्टेड अगर टूथ होगा दैट विल कवर्ड विद डल लस्टरस ओपेक व्हाइट हनी कलर्ड और येलोइश ऑरेंज ब्राउन इनेमल. ओके. नाउ इट इज एक्सपोज ऑफ डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी. अब आप खुद देखो इनेमल तो है ही नहीं. इनेमल नहीं होगा तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो और अगर वो डायरेक्ट जितना भी ओरल एनवायरमेंट है वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डेंटिन पे पड़ेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी. एंटीरियर ओपन बाइट है इसमें. पेशेंट प्रोन टू फॉर्म कैलकुलस रैपिडली. कैलकुलस बहुत ज्यादा रैपिडली फॉर्म होगा. ठीक है. तो हमने ओपन बाइट तीन जगह पर देखा है. एंटीरियर ओपन बाइट दैट इज रफ वन हाइपोप्लास्टिक में एंड ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप ऑफ हाइपोप्लास्टिक. देन हाइपोकैल्सिफाइड में भी एंटीरियर ओपन बाइट आपको देखने को मिलेगा. इफ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑफ वॉट इज एंटीरियर ओपन बाइट आई कैन मेक द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट. यू कैन कॉमेंट डाउन इन अ कॉमेंट सेक्शन एंड विल हैव द डिस्कशन ऑफ दैट ऑल्सो. कमिंग टू द हाइपोमैच्यूरेशन. नाउ हाइपोमैच्यूरेशन में क्या हो रहा है, इसमें हम दो चीजें देखेंगे. ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव. दीज आर द ओनली टू टाइप्स ऑफ हाइपोमैच्यूरेशन. तो इसमें क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में इट इज कॉमन इन मेल्स, ज्यादातर ये मेल्स में होता है. बोथ रेंटिशन इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि प्राइमरी एंड परमानेंट दोनों इफेक्ट हो सकते हैं. परमानेंट टूथ आर मोल्टेड येलो व्हाइट कलर्ड होंगे परमानेंट टूथ. डार्क एंड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेन्स. डार्क हो जाएंगे क्योंकि स्टेन्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा. टूथ मेट एट कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड हैव नॉर्मल टूथ कंटूर. जी हमने हाइपोकैल्सिफाइड में देखा एंड कुछ पार्ट्स ऑफ हाइपोप्लास्टिक में भी देखा कि टूथ के बीच में बहुत वाइड स्पेस था, लेकिन हाइपोमैच्यूरेशन में वो नॉर्मल टूथ जैसे ही दिखेंगे. ठीक है. यानी कि कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वो मीट होंगे. इनेमल नॉर्मल थिकनेस होगा और थिनर हो सकता है मे बी. नाउ प्राइमरी अफेक्टेड टूथ इन मेल्स जो होंगे, जो प्राइमरी डेंटिशन का जो टूथ अफेक्टेड होगा उसमें मेल्स में हम ज्यादातर बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेल्स में ही कॉमनली देखा जाता है ये. तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, ग्राउंड ग्लास ओपेक व्हाइट अपीयरेंस होगा उसका. ठीक है. नाउ कमिंग टू द ऑटोसोमल रेसेसिव वन. दोनों में बोथ द डेंटिशन विल बी अफेक्टेड. ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी यही था. ठीक है. इनेमल मिल्की शाइनी और अगार ब्राउन कलर होगा. ओके. नाउ इट कैन बी मोर डीपली स्टेन्ड ऑन कॉन्टेक्ट विद एक्सोजेनस एजेंट्स. ठीक है. एक्सोजेनस एजेंट्स अगर होंगे तो बहुत ही ज्यादा डीपली वो स्टेन्ड हो जाएंगे आपका टूथ जो है. पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलस, उनको उनके पेशेंट्स में लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलस देखा जाएगा क्योंकि कैलकुलस जो है वो बहुत ही रैपिडली फॉर्म होने लगेगा. पिगमेंटेड फॉर्मिंग एजेंट्स भी कंटेनिंग उनके अंदर जो कैलकुलस के अंदर पिगमेंटेड फॉर्मिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होंगे. ओके. टूथ अंडरगो रिजॉर्प्शन विद एल्वियोलस. रिजॉर्प्शन, जब भी रिजॉर्प्शन होता है ना तो क्या होता है, टूथ जो है ना कंप्लीट रिजॉर्प्शन के बाद झड़ जाता है. ठीक है. वो नहीं होता, दांत निकल जाता है. ठीक है. तो क्या होगा, टूथ बहुत ज्यादा रैपिडली रिजॉर्प्शन में जाएगा तो धीरे धीरे करके वो जो टूथ है धीरे धीरे करके पूरा निकल जाएंगे. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड स्नो कैप्ड टीथ. तो स्नो कैप्ड टीथ अपने को पढ़ना जरूरी है. ठीक है. इसके ऊपर एमडीएस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं. ओके. सो ये मैक्सिलरी मैक्सिला में ही पाया जाता है. ओके. दोनों डेंटिशंस में होता है. वेरिंग अमाउंट ऑफ इनेमल ऑन इंसाइजल एंड ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ क्राउन इज प्रेजेंट. ठीक है. कुछ कुछ अमाउंट ही है जो वो इनेमल का जो प्रेजेंट होगा. कौन कौन सी जगह, ऑक्लूजल और इंसाइजल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होगा. एंड हैव ओपेक विथ ओपेक अपियरेंस होगा उसका. ठीक है. ओपेसिटी अगर हम बोले तो ओपेसिटी सॉलिड होगी, फ्लैक्ड होगी. इन्वॉल्व इनेमल सर्फेस. जंक्शनल लाइन ऑफ ओपेक व्हाइट एंड ट्रांसल्यूसेंट इनेमल इज शार्प. उसका जो जंक्शनल लाइन होगा वो बहुत शार्प होगा. देन द पैटर्न ऑफ डिफेक्ट विल बी, सबसे पहले एंटीरियर्स में आएगा ये डिफेक्ट, उसके बाद पोस्टीरियर्स में आएगा. एंटीरियर्स यानी कि आपका क्या क्या हो गया, सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, कैनाइंस. ओके. पोस्टीरियर में आपके हो गए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके. तो प्रीमोलर्स और मोलर्स में बाद में जाएगा, पहले एंटीरियर यानी कि इंसाइजर्स और कैनाइंस में आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस एनोमली दैट इज एमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. आई होप यू गेट ऑल द नॉलेज अबाउट दिस एमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. हेयर वी कम्स टू द एंड ऑफ एमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. So from next video we are going to start a new topic of developmental disturbances of structure of the tooth.
and that is enamel hypoplasia. Okay, enamel hypoplasia is a very vast topic. So हम उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. Like it will goes on in 3 parts maybe. So okay, that's it. We'll see you in next video. Till then, thank you so much for watching.